सरोजनी की भीड़ में और इतने सस्ते कपड़े देख के गुम हो गए क्या? कोई नहीं, वापस आ जाओ, क्योंकि सरोजनी से मैंने बहुत ढेर सारी शॉपिंग करी है और मैंने पोल भी डाला था जिसमें सब लोगों ने बोला कि यार मुझे तो हॉल चाहिए। सो आई थॉट कि चलो क्यों ना हॉल शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये पीछे है बंडल जो कि है सरोजनी का, और यहाँ से मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े बाय करे हैं, H&M के, शीन के, ज़ारा ड्यूप्स थे और बहुत सारे। एज यू नो सरोजनी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको थ्रिफ्टेड कपड़े मिलते हैं, आपको देखने पड़ते हैं कि कोई डिफेक्टेड तो नहीं है या फिर कोई कहीं ऐसी जगह डिफेक्ट तो नहीं है जो आपके खराब कर दे काम को, आपके सारे ड्रेसेस के सामने फ्रंट में ही वो आ रहा हो, इस तरीके से आपको देखने पड़ते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको ऐसे रिजेक्टेड पीसेस भी यहाँ पे आते हैं, कुछ न्यू पीसेस भी यहाँ पे आते हैं, तो डिपेंड करता है। बहुत ही मिक्स मार्केट है सरोजनी, जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही इजीली मिलती हैं, बट ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही एक कला है जो लोगों के अंदर नहीं होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से खोजना है, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मैं यूज करती हूँ वो सारी चीजें आज शेयर करूंगी। एंड यस, यहाँ पे जितने भी मैंने कपड़े बाय करे हैं ये स्टार्ट ₹50 से, एवरीथिंग इज अंडर मैक्स ₹400 के अंदर है, आई थिंक 350 के अंदर है, 400 का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। सो चलो दिखाती हूँ आज का कलेक्शन। सबसे पहले जो मैंने लिया है ना, वो ये एक इस तरीके का पर्ल वाला जैकेट टाइप का है, कोटी टाइप का है। ये देखो, देख के ही पता चल रहा है दिस वन इज यूज्ड, ये थ्रिफ्टेड है। एक्चुअली थ्रिफ्टेड आइटम खरीदना कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि आगे आप कितने दिनों से यूज करोगे इस पे डिपेंड करता है। ये मैंने शायद ₹200-250 का लिया होगा, मैंने अपनी जयपुर के ट्रिप में पहना, इसके बाद भी मैं इसे कई बार यूज कर पाऊंगी। और सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज, मैं क्या करती हूँ, मैं सरोजनी जब भी कुछ लेके आती हूँ ना, मैं खुद पहनने से पहले पहले उन्हें वॉश कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ट्राई ऑन और ये और वो सारी चीजें करती हूँ लाइक। एंड ये देखो, ये है H&M की शर्ट, मुझे वहां से मिली है। ये देखो, ये H&M लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस वन इज ऑल्सो यूज्ड, आपको देख के पता चल रहा होगा ये टैग्स वगैरह ऐसे फोल्ड से है। सम टाइम आप कपड़ों को कम टाइम्स पहनते हो और आपको कोई अच्छा कपड़ा कम दाम पे मिल जाता है, भाई H&M की शर्ट है, इतना अच्छा इसका फैब्रिक है। यदि मैं शायद इसे H&M की स्टोर से लेने जाऊंगी तो मुझे 2000-2500 में भी हो सकता है, इससे ऊपर की ही कॉस्ट हो, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, यदि आप लोगों को पता तो बता देना। बट ये मुझे सिर्फ मिली है कितने की, गेस करो भाई, ये मुझे सिर्फ ₹250 की मिली है, सिर्फ ₹250 की। एंड मतलब मेरा पूरा ट्रिप बन गया, मैंने इसे ट्रिप में पहन के गया था, सारा बटन्स वगैरह देखो थ्रिफ्टेड भी है, स्टिल एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे सारे बटन्स ओके हैं, पूरी क्वालिटी ओके है, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं है। रुको 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 रुको, आप लोगों को एक चीज बतानी थी जिसका क्वेश्चन मुझे बहुत दिन से आ रहा था कि मैं मास्क में क्या यूज कर रही हूँ, खासकर अपने फेस के लिए। सो आप लोगों को मेरे फेस पे काफी सारे चेंजेस दिखे थे कि मेरा फेस अच्छा हो रहा है और फेस ग्लो कर रहा है। सो इसका एक बहुत ही बड़ा राज है जो कि आज राज नहीं रहने वाला है। मैं यूज कर रही हूँ ये क्ले को का, ये राइस एंड साके स्लीप मास्क, जिसको आप ओवरनाइट लगा के सो सकते हो आराम से, धुलने की भी जरूरत नहीं है, और सुबह आपको आपका एकदम ग्लो फेस मिलेगा। लुक एट दिस पैकेजिंग, कितनी प्यारी पैकेजिंग है इसकी। इसमें है राइस एंड साके, साके एक जापानीज वाइन है जो कि इसमें यूज की गई है। ऑल्सो इसमें सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट मिक्स है लाइक फर्मेंटेड राइस विच एमिट्स ग्लुकोजिक एसिड, हेल्प्स इन स्किन ब्राइटनिंग एंड विटामिन सी हेल्प्स इन पिगमेंटेशन। ऑल्सो ये इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और स्किन ब्राइटनिंग पे भी काम करता है। ऑल्सो इसमें हेलोरोनिक एसिड भी है, और बेनिफिट्स की बात करें तो स्किन ब्राइटनिंग पे काम करता है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और हाइड्रेशन और इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड लुक एट दिस, ये एकदम ग्लास लाइक स्किन प्रोवाइड करता है, लगाते ही ऐसा लग रहा है आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा लाइट है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है फेस पे, पूरी रात लगा के सो जाओ एंड सुबह फेस वॉश करने के बाद नाउ यू कैन सी माई फेस, ओ माई गॉड आई एम इन लव। मुझे अपना फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस, यहाँ पे मेरा कूपन कोड है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मतलब जेम्स वाली चीज है सरोजनी, जहाँ पे आपको ना खोजनी पड़ती है चीजें, ऐसे छांटना पड़ता है कि कौन सी चीज अच्छी मिल जाएगी। एंड उसके बाद मैंने वहां से बाय करा है ये स्कॉर्ट्स, देख सकते हो यार, ये स्कॉर्ट्स भी मैंने अपने ट्रिप में पहना था, बहुत ही सही स्कॉर्ट्स मिला है। एंड इसके
इसकी कॉस्ट गेस करो कितनी हो सकती है। महज 200 रुपए का स्कॉट्स है ये, महज 200 रुपए का। ये देखो अंदर से पता इतना सही फिट है, इतना कंफर्टेबल। ये भी कोई ब्रांडेड ही है, नाइक गोल्फ करके है, मलेशिया की कोई ब्रांड है उसका है। देखो मुझे बहुत ज्यादा ब्रांड्स वगैरह का आइडिया नहीं है, मैं बहुत ही H&M वगैरह दो चार ब्रांड्स के बारे में ही जानती हूँ, ज्यादा ब्रांड्स मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करे क्योंकि मैंने एथनिक ही हमेशा बनाया, तो एथनिक के ब्रांड्स वगैरह का मुझे नॉलेज था, वेस्टर्न में इतना ज्यादा नहीं, H&M ज्यादा सुना है बस, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ी नहीं, तो मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है। कोई दो चार और ब्रांड बोल देता है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है कि कौन सी ब्रांड बड़ी है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि यार ये बड़ी ब्रांड है, गुच्ची नहीं ब्रांड है, बड़ी ब्रांड है या प्राडो बड़ी ब्रांड है, कौन सी बड़ी ब्रांड है, मेरा दिमाग घूम जाता है सीरियली। देन इसके बाद मैंने इस तरीके की एक टॉप ली, ये बंदा इसकी प्राइस बोल रहा था 600 रुपए। ये देखो ये टॉप है, इसकी प्राइस 600 रुपए वो बोल रहा था, बट उसको बोला कि भाई 250 से ऊपर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, और वो जिग 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 करते करते उसने 250 रुपए में ये टॉप हमें दे दी। एंड लुक एट दिस टॉप भाई, बहुत सही टॉप है ये, इतना मतलब अच्छा इसका पूरा ये पोत वर्क मोती वर्क है, देख सकते हो इस तरीके का वर्क है, और ये पहनने पे भी बहुत अच्छी लग रही है। नीचे कटआउट बॉर्डर है इस तरीके से, और ये नेट की मतलब इसमें कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। आई कैन वियर विथ एनी काइंड ऑफ लाइक स्कर्ट, लाइक जीन्स, किसी के साथ भी इसे पहन सकती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। देन मैंने बाय करी है ये टॉप, गेस करो इसका प्राइस क्या हो सकता है, इसका प्राइस है महज 50 रुपए, ये सिर्फ 50 रुपीज की है। एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब जब मुझे लेयरिंग करनी है ना, जस्ट लाइक ये लेयरिंग मैंने करी है शर्ट की, ये एक्चुअली कॉट सेट है, इसकी लेयरिंग करी है, तो इसके साथ ही अंदर मुझे टॉप पहनी है तो बहुत आराम से इसको कैरी कर सकती हूँ। किसी साड़ी वगैरह के साथ ऐसा ब्लाउज मुझे कैरी करना है तो मैं कैरी कर सकती हूँ, स्ट्रेचेबल, और 50 रुपीज में मुझे और क्या चाहिए भाई। आई बॉट दिस शीन का श्रग भाई, ये शीन का श्रग है, आई एम नॉट किडिंग, शीन का श्रग है ये, और ये मुझे मिला है आई थिंक 200 रुपए के आसपास का। मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा सरोजनी के हिसाब से ज्यादा लगा, बट स्टिल ये शीन का था, बहुत सुंदर लग रहा था, पहनने पे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने फटाफट ले लिया। मैंने कहा मैं ज्यादा सोच नहीं सकती इसके बारे में। देन मैंने बाय करी थी ये स्कर्ट, और स्कर्ट मैंने बाय करी थी महज 250 रुपए की, और इसी को मैंने अपने जयपुर ट्रिप में पहना था। एंड नीचे से अभी देखो गंदी हो गई है काफी, धूल भी दिया है, स्टिल साफ नहीं हुई है, और अच्छे से साफ करना पड़ेगा, बट सही है। मुझे 250 रुपए में मेरी पूरी ट्रिप कंप्लीट हो गई, मैं जयपुर गई, मैंने जयपुर में ही सारे कपड़े पहने। नेक्स्ट ये है मेरे पास जैकेट, और वाइट डेनिम जैकेट, मतलब वाइट डेनिम फैब्रिक में ये जैकेट, और ये भी मुझे मिली है, ये शायद 350 की दी है। हाँ जैकेट सारी मुझे 350 के अराउंड मिली है, और अभी मैंने कई सारे ऐसे जैकेट और ब्लेजर्स लिए हैं जो मुझे 350 के मिले। ये डेनिम का है, देख सकते हो इस तरीके का, व्हाइट कलर का है, कलर देख रहे हो मतलब व्हाइट, बिल्कुल कहीं कुछ दाग नहीं, कोई बटन में दिक्कत नहीं, ये तो मुझे न्यू ही लग रहा है इसका, ये मतलब यहाँ पे टैग देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ यूज ही नहीं हुआ है। आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ही बार यूज करके निकल गया हो ये सेल पे, मुझे नहीं पता, मतलब जो भी है मेरे पास जो आया है ये एकदम नया एकदम फ्रेश है और अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारा ड्रेस, जिसको लेके मेरे इंस्टाग्राम पे धूम मची पड़ी है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया, नहीं किया ना गलत बात, फटाफट फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें जल्दी आ जाती हैं क्योंकि इजी है वहां पे स्टोरी वगैरह लगाना। यूट्यूब पे सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट ही है जहां पे हमें पोस्ट डालना पड़ता है, इसलिए वहां पे जल्दी आ जाती हैं सारी चीजें, तो फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है ये ड्रेस, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्रिटी है इस तरीके का, और दोनों साइड पॉकेट भी इसमें दिए हुए हैं। एंड ये ड्रेस मैंने अपने जयपुर ट्रिप में पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही है ये ड्रेस, देख रहे हो यहाँ पे, यदि आप ये स्ट्रिंग नहीं यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा रबर टाइप का लगा हुआ है जिससे कि ये फिसलेगा नहीं आपको। ये ड्रेस मुझे पड़ी है महज 200 रुपए की। एंड नेक्स्ट है ये वाली ड्रेस, ड्रेस कह रही हूँ, ये डेनिम स्कर्ट बहुत ही प्यारी सी, ऐसे डेनिम स्कर्ट आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि मैंने कहा एक आध तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो ये डेनिम स्कर्ट मैंने ले ली वहां से, और इसकी प्राइस है महज 50 रुपीज। यस आई एम नॉट किडिंग, दिस इज जस्ट 50, एंड बहुत ही सही मुझे मिली है, फिट इसकी एकदम सही आ रही है, लुक एट दिस, एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या चाहिए यार 50 रुपीज में इससे ज्यादा। नेक्स्ट है ये व्हाइट कलर की ड्रेस, अच्छा ये मैंने यहाँ से नहीं लिया, ये मैंने GK से लिया, आई एम सॉरी, बट इस तरीके की ड्रेस ना बहुत सारी सरोजनी में भी मिल रही थी, बहुत सारी इस तरीके व्हाइट कलर की ड्रेस वहां पे बहुत मिल रही थी, और वहां पे सरोजनी से मैंने इसे
सरोजनी में आपको ये 250-300 मैक्स मैक्स इतने रुपए की मिल जाएगी, और बार्गेनिंग करके हमेशा इतने में ही लिया करो, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होता है, वो दुगना चौगुना दाम आप बोलते हैं, बट आपको प्राइस हमेशा कम रख के ही बोलना है उन्हें, 200-250 इसके आसपास ही उनसे बाय करना है। भाई बहुत सही बॉडी सूट है ये, इसको उसने मुझे बार्गेन करके 200 रुपए में दिया, इसका प्राइस वो 500 रुपए बोल रहा था मुझे। मैंने कहा यार सरोजनी आए हैं, 500 रुपए इसका कौन बाय करता है, सरोजनी में 50 रुपए से दाम शुरू होता है, 350-400 पे एंड हो जाता है, मैक्स मैक्स इससे ऊपर तो कोई दाम देता ही नहीं है। तो ये मैंने 200 या 250 ऐसे ही कुछ बाय करा था, एंड ये नेट का है, फुल स्लीव का बॉडी सूट, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी फिटिंग है, किसी अच्छी ब्रांड का है ये, टैली बेल्जी क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, आप ही लोग पढ़ लो यदि आप लोग को पता है इस ब्रांड के बारे में। तो जो भी है मुझे इसकी फिटिंग बहुत ही सही आ रही है, क्योंकि लाइक मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहन के दिखा के क्या ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम चीज आपको वहां पे मिल ही जाए। मैं आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज कितने में मिल जाती है, तो आप यदि नेक्स्ट टाइम जाते हो सरोजनी तो आप उस हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। आपको यदि कोई भी शॉप नंबर भी बता रहा है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम में वो चीज बदल जाती है, वहां पे स्टॉक बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, तो अभी कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं है। आप वहां पे जाओगे, आपको बस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस रेंज के आसपास आता है, सिर्फ उस हिसाब से आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए। क्या क्या बाइंग करनी चाहिए ये भी, थोड़ी सी ऐसी वर्सेटाइल चीज बाय करो जो हमेशा चलती रहे, और आप कई बार एटलीस्ट 5-6 बार तो उसे यूज कर ही पाओ, यदि 100-200 रुपए लगा रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 बार यूज कर पाओ, उसके बाद ही उसे थ्रो करना लाइक मतलब जो भी करना। और ये है एक और क्रोशेट जैकेट इस तरीके का, इसको भी मैंने अपनी एक बॉडीकॉन ड्रेस के साथ पहना था, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत हल्का सा डिफेक्ट था, ये देखो इतना सा धागा, वो भी निकला था और वो भी हट भी गया, और कुछ तो है ही नहीं इसमें, ये वैसे यूज्ड किया हुआ है बट स्टिल यहाँ इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ डिफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा काम बहुत आराम से हो गया और मेरे ऊपर अच्छा भी लग रहा है। सो मुझे क्या चाहिए, ये सिर्फ मुझे 150 रुपए का मिला है, सिर्फ 150 रुपए का, जो अगेन है 100 रुपीज की, सिर्फ 100 रुपीज की, लुक एट दिस, ये डेनिम ब्लैक कलर की स्कर्ट है सिर्फ 100 रुपीज की, एंड आई लव दिस यार, कितनी प्यारी स्कर्ट है, बहुत ही ज्यादा सही लग रही है। एंड दूसरी चीज, यदि ट्राई ऑन देखना चाहते हो ना, तो फटाफट इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैं इनका ट्राई ऑन वीडियो बनाऊंगी, तो वहां पे आपको ट्राई ऑन देखने मिल जाएगा एक आध दिन में। एंड वहां पे जब भी आपको जाना हो ना, तो सुबह सुबह पहुंच जाओ, मेनली मैक्स मैक्स आप 10, 10:30, 11 बजे तक मार्केट में पहुंच जाओ, अदरवाइज यदि लेट हो गए ना, तो इतनी भीड़ मिलेगी कि आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे वहां पे। और ट्राई करो 2 बजे तक मार्केट से बाहर निकल लो, और वीकेंड पे कभी मत जाना, और मंडे को मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। ये बहुत सारा डाउट है लोगों को कि मंडे को मार्केट बंद होता है, नहीं बंद होता है, ओपन रहता है, और वीकेंड्स पे कभी मत जाना। एंड नेक्स्ट है ये सिर्फ 50 रुपीज की टॉप, इस तरीके कॉटन फैब्रिक की है, ऑरेंज कलर की, लुक एट दिस, इसमें छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी भी है सेल्फ में, जो कि काफी अच्छी लग रही है। बट जो भी है, ये काफी एकदम हल्की फुल्की समर्स के हिसाब से एकदम सही टॉप है, कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसीलिए ले लिया। नेक्स्ट मुझे बहुत अच्छी चीज मिली वहां पे, वो है ये इस तरीके की पूरी एम्ब्रॉयडरी वाली टॉप, ये टॉप मुझे काफी अच्छी लगी। इसका क्वालिटी को लेके थोड़ा सा मैं बोलूं, क्योंकि काफी ज्यादा यूज करा गया है, स्ट्रैप्स वगैरह इसके एकदम ढीले हो गए हैं, बट लेट सी, मैं आपको बताऊं कि मतलब ये अच्छी लग रही है। इसमें ना बटरफ्लाई बनी हुई है, पहनने पे बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी, एंड मुझे सुंदर लग रही है ये, इस तरीके की ये पूरी टॉप है, एंड ये मुझे मिली है 200 रुपए की, महज 200 रुपए की। फिर मैंने बाय करे हैं ये ब्लेजर, और ये ब्लेजर जो है ये कौन से ब्रांड का है, ये H&M का है ब्लेजर, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही सही इसकी फिटिंग आ रही है, और ये मुझे पड़ा है 350 रुपए का, सिर्फ 350 रुपए का ब्लेजर, और इसकी फिट बहुत अच्छी है। ट्राई ऑन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। एंड इसके बाद मुझे 350 रुपए में ये जैकेट मिला, ओह माय गॉड, ये तो पहन के दिखाना बनता है, वेट लुक एट दिस, दिख रहा है आप लोग को ये कितना सही लग रहा है भाई, मतलब बहुत ही अमेजिंग। और 350 रुपए में मैं क्या इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी यार, इतना सही कोट मिला है, लाइक ऐसे जैकेट बोल सकते हो इसे, तो जैकेट बोलेंगे, मेरा भी क्या दिमाग फिर रहा है, ये कितना सही लग रहा है। एंड इसको किसी भी अपने ड्रेस, अपने जीन्स, अपने डेनिम्स के साथ कैरी कर लो, किसी ड्रेसेस के साथ कैरी कर लो, सबके साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। और 350 रुपए कहीं से भी बुरा नहीं है इसके लिए। और उसी तरीके का जैकेट मैंने एक और लिया है,
ये देखो ये भी उसी तरीके का है और इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है एंड दिस इज ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस और ये भी 350 रुपए का है एंड ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने 50-50 रुपीज के कुछ कार्डिगन्स ले लिए, लाइक ये कार्डिगन, रुको इसे पहन के दिखाती हूँ। सो या अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या भैया, देखो इसके इसके नीचे से छोड़ दो, ये मत देखो, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ तो अब आप लोग को दिखाई देगा कि यार देखो इस तरीके का कार्डिगन वगैरह ना किसी बॉडीगार्ड ड्रेस के साथ ओवरले कर लो ना, लेयरिंग कर लो तो बहुत ही सही लगता है। तो ये मैंने खरीदा है सिर्फ 50 रुपए का एंड इसके साथ मैंने ये खरीदा है एक और ब्लू कलर का कार्डिगन, ये भी है महज 50 रुपीज का एंड साथ में एक और ग्रे कलर का खरीदा है, ये भी है महज 50 रुपीज का। लेट मी शेयर, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये इस तरीके का कार्डिगन है, किसी भी बॉडी कॉन ड्रेस के साथ कैरी कर लो, किसी के भी साथ पहन लो, हर किसी के साथ ये अच्छा लगता है एंड मतलब इसी तरीके का ये ग्रे भी है तो इसको भी क्या पहन के दिखाऊं, इसी तरीके से है और ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती है। इसके साथ मैंने ये खरीदा है ये वाला एक पाउच बैग, मैंने सोचा था इसमें मैं अपना स्ट्रिंग लगा लूंगी तो ये मेरा ऐसे बैग का काम करेगा, ऐसे साइड बैग या स्लिंग बैग का काम करेगा, स्लिंग है मेरे पास अलग से, लगा लूंगी मैं उसके साथ। बट ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और दिस कॉस्ट मी अराउंड जस्ट 100 रुपीज ओनली। ये वो बैग मैंने बाय करा था जयपुर ट्रिप के लिए एंड ये मुझे 200 रुपए कॉस्ट करा था एंड इसके बाद मैंने दो टोट बैग लिए और ये टोट बैग मैंने, ये मुझे 250 रुपए का पड़ा था, थोड़ा सा ये मुझे पसंद नहीं आया, इसकी जो स्लिंग है ना काफी छोटी सी है तो मुझे काफी अच्छा नहीं लगा, बट यही थोड़ा और बड़ा होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। और इसके साथ मैंने बाय करा ये टोट बैग जो धुल दिया मैंने, गंदे हो गए थे, ये टोट बैग और ये एक टोट बैग, ये दोनों ही टोट बैग मुझे पड़े हैं अराउंड 100 रुपए का, बिना चेन वाला 100 रुपए का और चेन वाला 150 रुपए का पड़ा है और ये दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, आई एम सुपर हैप्पी विद माय हॉल एंड मैं अपने कलेक्शन से बहुत खुश हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप सरोजनी वगैरह जाते हो ना तो ये मान के चलो 20% सामान आप तो फालतू लेके आओगे ही आओगे क्योंकि वो वहां पे अच्छा लगता है, घर आने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो डिसअपॉइंट मत होना। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, हर किसी के साथ ये चीज होती है, सो इट्स नॉर्मल, जस्ट फॉरगेट इट एंड आप ट्राई करो कि कम चीजें बाय करो, बहुत ज्यादा चीजें बाय करने का ट्राई मत करना, सच बता रही हूँ, घर में आने के बाद। और पैसे पर बिल्कुल भी मत होगा, अरे 50 रुपए का मिल रहा है, अरे 50 रुपए का मिल रहा है, वो हमेशा 50 रुपए का मिलेगा, जिंदगी भर 50 रुपए का वहां पे चीज मिलता रहेगा, तो आपको ज्यादा वो नहीं होने की जरूरत है। आप अपने काम की चीज खरीदो, क्या बिक रहा है वहां पे उससे लेना देना नहीं है, अपने काम की चीज आपको खरीदनी है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप शॉपिंग करो और कभी भी सरोजनी के बाहर से ही शॉपिंग मत करो, पहले सरोजनी में अंदर एंटर हो, पूरा घूमो, अच्छे से देखो, उसके बाद बाइंग करना शुरू करो। वहां पे बिकनीज वगैरह के लिए, स्विम सूट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, शॉप से भी बाय कर सकते हो, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। ये था सरोजनी हॉल, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो एंड मैं ट्राई करूंगी आगे और भी इस तरीके के वीडियोज आप लोग के लिए लाने का। बाय द वे, बड़े वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और आजकल मैं बड़े वीडियोज ज्यादा बना नहीं पा रही हूँ, इसके लिए तहे दिल से सॉरी, क्या ही बोलूं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बड़ा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगी। और ट्राई ऑन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, और व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहां पे आते हैं हमारे ढेर सारे व्लॉग, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस किसी ज्यादातर वीडियो में, बाय।